सब अच्छा करते हैं, खेलने में अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ है महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन पप्पा खारिक। पप्पा भाई, आपने टॉस हारा है, आपको पहले फील्डिंग दी गई, आप टॉस जीतते हो तो आप क्या करते? बैटिंग लेता। लेकिन इस वक्त आपको पहले फील्ड दी गई है, ये बताइए कि अंजुमन स्पोर्ट जो कि पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था, कहाँ तक इन्हें रोकना चाहेंगे आप? 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए 50 के अंदर रोकने के लिए आपके पास तो चारों गेंदबाज सब अच्छे हैं, लेकिन ये बड़े मुकाबले में आपको कौन से गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? मैं कल भी बोला था, मैं चारों गेंदबाज से अपेक्षा रखता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बैटिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, सचिन गायकवाड़ है, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें, लेकिन अब ये जो टूर्नामेंट है बहुत ऊपर जा चुका, आपकी टीम का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, बड़े मुकाबले में अब शुरू हो चुकी है, तो क्या आपकी जो गलतियां हुई है पिछले मुकाबले उससे कुछ सबक सीख कर आ पाए? नहीं, गलतियां तो किसी से अभी तक गलतियां हो नहीं हुआ नहीं अभी तक ये टूर्नामेंट में, और मौका तो सचिन गायकवाड़ को भी नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला। अगले इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा खेले। कितना एंजॉय किया अब तक आपने अंजुमन ट्रॉफी को? बहुत एंजॉय किया और आज भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त टॉस को जीता है अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन मुन्ना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
महिंद्रा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आपको फील्ड सजानी है, सचिन गायकवाड फील्ड सजानी है आपको। महिंद्रा स्पोर्ट्स के तमाम खिलाड़ी आपको फील्ड सजानी है। प्रैक्टिस बंद करनी है अंजुमन के, काशिफ बंद करनी प्रैक्टिस, सचिन आपको भी बंद करनी है प्लीज। फील्ड सजानी है महिंद्रा स्पोर्ट्स। पहला मुकाबला हम देखेंगे अंजुमन स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर टॉस को जीता है अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन मुन्ना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। फील्ड सजानी है महिंद्रा स्पोर्ट्स आपको तुरंत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए दोस्तों, आज चार बड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने जा रहे हैं। महिंद्रा स्पोर्ट्स आपको अपना फील्ड सजाना है। टीम मैदान में जाती भी महिंद्रा स्पोर्ट्स टॉस को जीता है अंजुमन स्पोर्ट्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है, यूट्यूब व्यूवर्स का भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं इस क्रिकेट अनफॉरगेटेबल में। आज चार बड़े मुकाबले खेले जाने हैं। So good morning all of you and assalamu alaikum. You are watching cricket unforgettable. Cricket unforgettable Anjuman Trophy 2020 from historical Parshuram Tavre Stadium. तीनों ऑन फील्ड अंपायर बिल्कुल तैयार हैं।
बिल्कुल, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर ने शहबाज शेख अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सभी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए, कभी भी उनके जो मैसेज रहते हैं वो किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी या टीम के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि सभी टीमों के लिए रहते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त वो रंग भर रहे हैं पूर्णा के शो में, गुंदोली के क्रिकेट ग्राउंड पे, और बहुत ही बिजी शेड्यूल है। जब मैं यहाँ हूँ तो उनको अपना इलाका कवरेज करना पड़ता है, हालांकि उनकी काफ़ी कमी हम महसूस कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। द मैन डन आउटस्टैंडिंग जॉब इन कॉमेंट्री, मैं उन्हें महाविद्यालय कहता हूँ मराठी कॉमेंट्री का। अंपायर शाहिद मोमिन, अगर अंजुमन ट्रॉफी को हम देखते हैं तो महिंद्रा स्पोर्ट्स, महिंद्रा इस जो स्पोर्ट है उसके रिकॉर्ड ही अच्छे हैं। पिछले सीजन के अंजुमन ट्रॉफी की रनर्स टीम थी, पायनियर के सामने मैच आ रही थी। और पिछले सीजन के अंजुमन ट्रॉफी की बात करें तो हम मैन ऑफ द सीरीज कपिल केने थे पिछले अंजुमन में, और बेस्ट बॉलर उसामा थे पिछले अंजुमन के। लेकिन इस वक्त 9 विकेटों के साथ नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं किशन मात्रे, 8 विकेटों के साथ सैफ शेख हैं, उनके पीछे अमोल पाटिल हैं। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, टुडे इज अ कूल मॉर्निंग। सो बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2020। दिलशाद जॉइन विद अस, द 12th मैन ऑफ अंजुमन स्पोर्ट, एंड टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड। टुडे इज अ कूल मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब, नियाल शेख, शहबाज शेख एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। Remind you, Anjuman won the toss and they elected bat first. This is the surprise decision taken by the captain of Anjuman.
Jopnas on the ground. Kashif and Saqib, this is the recognized pair of Anjuman. Sun shining brightly but still cool morning. Light cool breeze running over the ground. And I think this is the good atmosphere for bowler. And simply shock, Anjuman won the toss and they elected bat first. Papya Kharik, the captain at wide of long on, and Vishal Patil at mid-wicket, two men outside the ring, is going to be Suresh Pardi. Three top bowler in Mahindra sport like Yasuddin Sheikh, one of the focus all-rounder, bowl excellent in this season, Suresh Pardi and Silver Arms Haresh Patil. Suresh Pardi opened the bowling attack. The next match, Sumail Suse, FAM team SK Sport and Jay Durga Sport. Yesterday, Jay Durga done outstanding job in bowling and Sumail Suse team done outstanding job against Pioneer. Suresh Pardi, sun has gone behind the cloud. First ball hits in the air. Yasuddin is there, but one bounce across the boundary for four. What a great start from batsman Kashif. That was a juicy half volley. Taking the aerial route, hits over the infield for four. जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आया वहां पर बल्लेबाज काशिप से. ये देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला हुआ उन्होंने, बिल्कुल सामने दे बैठे थे वहाँ पर हरीश पाटिल. तो अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स को. पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक आया बल्लेबाज काशिप से. ग्रेट स्टार्ट. टुडे इज द ओवरकास्ट कंडीशन, क्लॉडी डे टुडे. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. दिस टाइम ड्राइव ड्रॉप, sharp chance dropped by bowler Pardi on his follow throw. That was a rocket catch, not easy held for a bowler on his follow throw. You have to see in replay firmly driven. Yasuddin having a word with Pardi. I think he discussing about the swing of the wicket, because first match going on and good start from host team Anjuman Sport. Five without loss. Suresh Pardi, left arm over the wicket. This time put away, miscue stroke. Short fine leg service is there. Enough time, batsman gets one. His score was up to six without loss. Mahindra Sport, the runners of previous Anjuman Trophy in 2019. This time play away from his body, straight to back out of the point.
with the stroke batsman threw for one, one to total now 7 for no wicket. You are watching the third quarter final between Mahindra Sport and Anjuman Sport. Suresh Pardi, left arm over the wicket. This time beauty, this is the better length. We see him outside the off stump and this is the perfect delivery, and Ghiasuddin also want this type of bowling from Pardi. Ghiasuddin Sheikh, one of the focus all-rounder, Sachin Gaikwad, good touch batsman, Bablu Patil, in-form batsman, and Haresh, one of the great bowler. This time use his feet, he's in the air, could be caught. Oh, he's dropped. Dropped by Sachin Gaikwad, simple chance. And that marks an even full overturn from Suresh Pardi, given away 8 runs. Good start, I think, from Anjuman, 8 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति 8 रन बने, हालांकि कैच भी छूटा है और गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से ग्यासुद्दीन शेख आए हैं। इस सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस है ग्यासुद्दीन शेख का और इस विकेट पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की है ग्यासुद्दीन शेख ने। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, ओ बढ़िया इनकटर, आउट हो गए, कोई भी ऑप्शन नहीं, कमाल की गेंद थी, कट के अंदर आई, मजबूर किया बैट्समैन को। बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर ग्यासुद्दीन शेख की, कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाजी इस गेंद को, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई थी, तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स का शाकिब के रूप में। बहुत ही खूबसूरत गेंद, क्या इनकटर गेंद थी, बैट्समैन को मजबूर कर दिया था। संदेश पाटिल, टेनिस क्रिकेट डॉट इन पे आप सारा लेखा जोखा देखते हैं, हमारे साथी कमेंटेटर है और इस सीजन में 2 स्पर्धाओं में उन्होंने मेरा साथ निभाया है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन अंजुमन ट्रॉफी। आज सिर्फ 4 मुकाबले, इसके बाद दूसरा क्वार्टर जो आखिरी क्वार्टर रहेगा, एसके बनाम जय दुर्गा, ग्यासुद्दीन शेख इस मरतबा इनकटर गेंद आने दिया था, मोड़ दिया उन साइड में, 1 रन बनाया, पपिया खारिक झपटे, बैट्समैन सावधान क्योंकि आउटफील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ। एसके स्पोर्ट्स की कैप्टन और जय दुर्गा के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है, एसके के कैप्टन आ चुके, उसके बाद पहला सेमीफाइनल, तीसरी मरतबा सेमी में टकराने जा रही है दिनेश कुकसे और सोना देवी, और चौथा मैच है, इससे पहले 3 मैच सोना देवी को शिकस्त दिए दिनेश कुकसे ने, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल, ये टीम विजेता इस मैच की टीम और अगले मैच की टीम। यॉर्कर कराने की कोशिश, बल्ले की जड़ से खदेड़ा, शॉट पॉइंट पे गेंद चली गई, 1 रन, स्कोर आगे सरकता हुआ 10 पे पहुंचा है। आज की सुबह बहुत ही सर्द ठंडी सुबह है, भिवंडी सिटी में बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुहाना मौसम। राइट आर्म ओवर द विकेट, ड्राइव किया बहुत तेज, बढ़िया फील्डिंग,
लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत तेज, छुड़ा लिया है तुमने जो रन को। हालांकि पहले बाउंस पे गेंद गई थी पारदी के पास, अच्छा फील्ड भी किया था, लेकिन काशिफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक चौका, कुल मिलाकर 8 पे खेल रहे। शोएब गौरी हमसे जुड़ते हुए। न्यूजीलैंड का मौसम, बिल्कुल आज का मौसम न्यूजीलैंड के मौसम की याद ताजा करता हुआ, मौसम बहुत सुहाना है। वाइट, मौसम सुहाना भी और दीवाना भी है, मैंने नहीं कहा था, भावेश पवार ने कहा था बाली ट्रॉफी 2018 में, ज्यादा दूर कर बैठे थे वहां पर, और बाली ट्रॉफी के फॉर्म बटना शुरू हो चुके आए दिन बाहर के। इस मरतबा पहले फ्रंट फुट पे आए थे, बाद में स्ट्रोक को चेक किया, गाइड किया गली में, एक रन, स्कोर 13 पे पहुंचा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, एक रन बनाए डीप में, खिलाड़ी पपिया खरीक मौजूद हैं, सिर्फ एक रन, अच्छा ओवर समाप्त किया गयासुद्दीन शेख ने। देखिए आप ओवर जल्दी करते हैं तो बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं मिलता है, और दो ओवर की समाप्ति पे 14 रन बने, एक विकेट गिरा है, और आने वाले दो ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं मजहर खान से। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। तो यहां पर दो ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखे तो सिर्फ 14 रन बने हैं। इस वक्त काशिप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए मुन्ना, मुन्ना ने भी कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी भावे सर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे शाकिब, जो कुछ खास नहीं कर पाए आज अपनी टीम के लिए, सिर्फ 2 रन बनाए उन्होंने। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुई अंजुमन स्पोर्ट्स, इसके बाद हम चौथा क्वार्टर फाइनल देखेंगे इसके स्पोर्ट्स और जयदुर्गा के बीच में। दोनों कैप्टन आपको लेट नाजिम अंसारी टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। सुरेश पारदी एक बार फिर से आते हुए, पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी सुरेश पारदी ने, जहां पर 8 रन खर्च किए तो उन्होंने। पहली गेंद वहां पर सुरेश पारदी की, अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर की थी, ड्राई लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर काशिफ। देखिए ये उनकी सबसे अच्छी गेंद रहती है जब वो आगे गेंद को रखते हैं और गेंद स्विंग होकर जाती है। बबलू पाटिल जो अर्धशतक लगा चुके हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इस बार देखने फोर्स करने की कोशिश की वहां पर काशिफ ने, ऊपर चले गई थी गेंद, एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, तो 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 16 रनों पर। शॉर्ट गेंद थी भाभी सर, हल्की सी उसे फोर्स करना चाहते थे काशिफ, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, किस्मत वाले रन। हालांकि काशिफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन मिस टाइम कर बैठे थे, सीने के करीब शॉर्ट पिच गेंद जब आती है तो अधिकांश बार ऐसा होता है कि बैट्समैन उसे टाइम नहीं कर पाता है। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर सुरेश पारदे की, बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद, उसको समझ नहीं पाए बल्लेबाज काशिफ। तीसरा ओवर हम इस वक्त चल रहा है यार, अभी भी हम देख रहे कि इनफ टोटल नहीं बनाया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने, सिर्फ 16 रन बने। देखिए अंजुमन के तमाम मैचेस उठा के देखिए, ये अंडर 50 में ही फाइट बैक करती है। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ वहां पर जा रहे थे काशिफ,
लगातार अब हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है और डॉट गेंदे हो रही है यहाँ पर। सही फैसला अंपायर का, क्योंकि गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा स्विंग हुई थी, बल्ले के करीब से गई थी, विकेटों के पीछे ज्यादा स्विंग हुई थी। अंपायर फारूक बर्डी, वन ऑफ द एक्सपीरियंस कंपेनर। इस बार देखना है सुरेश पारदी की ये गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर इस बार किया था, व्हाइट का इशारा आता हुआ, स्कोर 17 रनों पर। आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2020, अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट। और अंजुमन जो टीम है भाभी सर, वो भी इस टूर्नामेंट को नहीं भूलेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनल खेल रही है अंजुमन टीम। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा उनका इस टूर्नामेंट में। इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ काशिप के बल्ले से, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, चार रनों के लिए। कमाल का शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया। आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है, ये देखिए, ओहो बहुत ही खूबसूरत हेलीकॉप्टर शॉट, चार रन डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल भाभी सर, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था वहां पर काशिप ने, और बिल्कुल लगभग इसी तरह का स्ट्रोक खेला था बाली ट्रॉफी में कपिल ने, जहां पर उनको शॉट ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। और उससे पहले इसी तरह का स्ट्रोक करेश मात्रे ने खेला था 2018 में, हेलीकॉप्टर शॉट। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ जा रहे थे, इस बार गेंद ऊपर चले गई है, तो यहां पर पारी समाप्त होती हुई काशिप की, एक और विकेट गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स। सर्द हवा के झोंके आ रहे हैं, कहीं एशिया के ममालिक हैं जहां पे 4 से 6 फीट बर्फ जमी हुई है, और यही कारण है कि मौसम ने करवट ली है। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 21 रन बने, 2 विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। 4th ओवर लेकर आते हुए हरीश पाटिल, और बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आमिर अंसारी। 2 ओवर पारदी अपने कर चुके हैं, और हरीश ने इस सीजन में सीएम कप से दस्तक दी थी, पहली दूसरी गेंद पे विकेट लिया अपने सीजन की, और उसके बाद उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की। जी बिल्कुल बाबे सर, इस टूर्नामेंट में भी उनकी जो गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हुई है। इस बार ये गेंद देखना, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे आमिर इस गेंद को, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की यहाँ पर हरीश पाटिल ने। और सबसे बड़ी बात है कि सिल्वराम स्वप भिवंडी हरीश पाटिल अपने वेरिएशन पे इस सीजन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यही कारण है कि काफी सफल रहे। इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां पर आमिर ने, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, देखना खतरा हो सकता है। 2 रन पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने। बिल्कुल भाभी सर, और कहीं ना कहीं हरीश पाटिल के आने से टीम में थोड़ी सी जो चार्ज हो गई है पूरी तरह से टीम। बिल्कुल, महिंद्रा स्पोर्ट का खेल जो पहला था वही नजर आ रहा है हरीश पाटिल के टीम में आने के बाद। इस बार ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर आमिर, आउट होते हुए एक और विकेट गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का।
बल्लेबाजी के लिए जाते हुए कीमैन अकील खान। कल के दिन भी हमने देखा था कि पहली गेंद का सामना किया था और सिक्सर से स्टार्ट दिया था अपनी टीम। अंजुमन के तमाम आप मैचेस को निकाल के देखेंगे तो अकील खान ने हमेशा अपनी तरफ से 100% दिया है। और बाली ट्रॉफी 2018 में तो अकील खान बहुत अच्छे टच में रहते, अब पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये तरह के बादल से हो सकता है कि बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी की जरूरत नहीं, रनों की बरसात की जरूरत है अंजुमन स्पोर्ट्स को। हरेश पाटिल अच्छी गेंदबाजी इस वक्त करते हुए इस बार सामना करेंगे मुन्ना, टीम के कैप्टन। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला रहा था मुन्ना का, लेकिन शुरुआत उतना अच्छा नहीं मिला यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स को। उसका कारण ये था कि सुरेश पारदी, गैसुद्दीन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और अब हरेश पाटिल इस बार सफल होकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की। वहां पर मुन्ना ने दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। लेग बाय के रूप में एक रन आया, ये 24 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ ओवर नंबर 4 का खेल हम देख रहे हैं, जबकि विकेट गिरी यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स की 3। देखना बल्लेबाजी के लिए हार्ड हिटिंग बल्लेबाज अकील खान आए हैं, कल के मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और मुन्ना की अगर हम बात करें तो मुन्ना ने भी शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद लाजवाब बल्लेबाजी की थी। इस बार देखना है कट कर दिया इस गेंद को, जब तक डीप से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन पूरा करते हुए यहां पर अकील खान। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है, जयदुर्गा के कैप्टन और एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन। इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां पर मुन्ना ने, बैट पर गेंद जैसे ही लगी वैसे ही रन के लिए भाग पड़े थे मुन्ना। देखिए कई बार ऐसा होता है जब गेंदें बहुत कसी हुई रहती है, रन नहीं गेंदबाज देते हैं तो इस तरह का व्यू सामने आता है, पिक्चर सामने आती है, बैट्समैन अपनी विकेट गंवा देते हैं। कल के मैन ऑफ द मैच सस्ते में आउट होते हुए तो 25 रन पर एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स का 4 ओवर की समाप्ति पर। देखना बल्लेबाजी के लिए इस वक्त जाते हुए आसिफ नाना, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर हमने देखी है महेंद्र स्पोर्ट्स के तीनों गेंदबाजों ने। और आसिफ नाना सीजन का मेरे ख्याल से पहला मैच खेल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, 4 ओवर पे रन बने, कुल मिलाकर 25 विकेट गिरी है 4। केशुद्दीन शेख को बुलाया गया है और आसमान में कहीं कहीं गहरे बादल छाए हैं। मजर खान मेरे साथ हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, और ये राह इश्क है इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। क्या बात है भावे सर। तो पांचवा ओवर लेकर आते हुए गैसुद्दीन और कमेंट्री के लिए भावे सर। गैसुद्दीन शेख अकील को स्विच इट करना चाहते थे, बीट किया। देखिए गैसुद्दीन शेख को अगर इस सीजन में हम देखते हैं, मैच कहां भी जा रहा हो उन्होंने कोशिश की 100% देने की। और गैसुद्दीन शेख वो बदनसीब गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों पे कैचेस बहुत छूटे, यही कारण है कि पपिया खारिक ने जब से कप्तानी लिए टीम में चेंजेस आ गए, इस मरतबा पीछा किया था वाइट। लेकिन एक खिलाड़ी से आप एक मैच जीत सकते हैं, चैंपियन नहीं बन सकते, लेकिन अब टीम वर्क नजर आ रहा है महिंद्रा में अंजुमन ट्रॉफी से। गैसुद्दीन शेख इसमें दबा खींच के मारा, अकील ने, फील्डर मौजूद हैं, एक रन बनता हुआ, अच्छा शॉट था लेकिन
फील्डर को पाया था लॉन्ग ऑन पे। स्कोर आगे सरकता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है यसुद्दीन शेख। धीमी गेंद, खेले ही नहीं साकिब, क्या कमाल की गेंदबाजी है। नाना थे आसिफ, नाना ने खेला ही नहीं, अचंभित रह गए थे वहां पर। गेंद जिस तरह से टिप्पा खाकर धीमी हो गई थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, यॉर्क कराने की कोशिश, लिविंग एज है, एक रन बनता हुआ। यसुद्दीन शेख की भी खासियत है कि एक ही एक्शन में तेज गेंदे भी करते हैं और उनका जो इन कटर धीमा बाउंसर रहता है वो देखने लायक रहता है। स्कोर 28 रनों पे पहुंचा है। इस मरतबा खींच के मारा है शॉर्ट एंड पुल, शॉट तो बहुत दमदार लेकिन गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई काउ कॉर्नर में। एक रन बनता हुआ स्कोर में 29 पे पहुंचा है स्कोर अंजुमन का 4 विकेटों के नुकसान पर। यसुद्दीन शेख इस मरतबा लाइन से हटकर खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। समाप्ति पे रन बने हैं 33, बहुत अच्छा शॉट देखने को मिला आसिफ नाना के बल्ले से, हुक किया था गेंद की लाइन से अलग होकर। जयदुर्गा स्पोर्ट्स के कैप्टन प्रेम, आपको लेट नाजिम अंसारी टॉस बॉक्स में बैठना है, और एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन फैजान। गेंदबाजी के लिए कलीम आए, इस सीजन में कलीम भी अपने फॉर्म को लेकर, लेंथ लाइन को लेकर काफी परेशान है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव गैप में, लेकिन उस पर झपटते हुए खिलाड़ी विशाल पाटिल तब तक के गेंद को उठाते 2 रन बना लिया अकिल ने। 35 पे पहुंचा स्कोर। देखिए महेंद्रा और अंजुमन के 2 मैचेस ऐसे हैं जो अंडर 50 हैं और बहुत ही कट टू कट गए। एक बार तो गयासुद्दीन और बिलाल शेख शारजा में उस मैच को एंजॉय कर चुके हैं। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ा था गेंद ने, वाइड घोषित किया अंपायर ने, सही निर्णय।
अंपायर गणेश। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा खड़े खड़े खेला है। कॉटन बॉल होने का खतरा, आउट हो गए अकील। नक विच पाया कोका कहरे कमांदा वा, हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आंदा वा। नक विच पाया कोका कहरे कमांदा वा, हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आंदा वा। अपना चूप चूप किस बचाऊंगा रे तेरे ओए, सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तू मैंने मैं दुनिया में हिला दूंगा। छब्बीस रन हुआ है और 5 विकेटें अंजुमन स्पोर्ट्स ने अब तक गवाई है। आज लगातार सूरज और बादलों के बीच में आग मिचोली चल रही, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार है। ठंडी हवा बह रही है परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी में। अभी भी आउटफील्ड को हम देखते हैं तो पूरा वेट आउटफील्ड नजर आ रहा है, गीला है। रात की शबनम शबनम यहां बहुत ज्यादा गिरी है। वाइट गेंद, ये कौन सी गेंद कर बैठे। 9 बॉल बीमर घोषित किया अंपायर ने, फ्रीट। अंपायर फारूक बड़ी तुरंत ही अपने हाथ को निकाल दिए थे। हेलीकॉप्टर गेंद किया था वहां पर कलीम ने। कलीम फ्रीट है। ऑफिस टाइम के बाहर की गेंद, कोई शॉट ऑफर्ड नहीं किया वाइट। फ्रीट कंटिन्यू रहेगा। यह संपर्क गणेश आप इशारा करें, फ्रीट कंटिन्यू। इस मरतबा फिर से देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा किया है, फिर से वाइट। कलीम इस सीजन में वाकई में अपनी लेंथ और लाइन को लेके काफी परेशान है। बबलू उनके पास गए हैं, कप्तान गए हैं कुछ समझाने के लिए। स्कोर इस वक्त 42 रन। आप अंजुमन के गेंदबाज भी परीक्षा ले सकते हैं बल्लेबाजी की। कलीम इस मरतबा अच्छी गेंद थी, नाना घूम के मारना चाहते थे डॉट गेंद, लेकिन भाई का रन पूरा होता हुआ। थोड़े नाराज हैं वहां पर अपने आप से बबलू पाटिल। हालांकि गैसुद्दीन ने अपने दौर में कितने रन दिए, 8 और 6-14 रन दिए। सुरेश पारदी ने 15 रन दिए, लेकिन हरेश पाटिल ने फिर सिर्फ 4 रन दिए। 2 रन आउट हुए थे हरेश पाटिल के ओवर में। कलीम की गेंद खींच के मारा है, फील्डर मौजूद है, लेकिन पहले ही टिप्पा खाया है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर 45 पे पहुंचा अंजुमन का। कितनी गेंदें बची है साहिबा,
दो गेंदे बचे आखिरी ओवर की। कलीम फिर से बहुत ही खूबसूरत हुक छह रन। के उक खेला है लेकिन कनेक्ट बहुत अच्छा किया था, छह रन। अब 50 के ऊपर जब रन बनते हैं तो अंजुमन के कैप्टन की खुशियां बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, उनका घरेलू मैदान है ये। कलीम अच्छी गेंद, इस मरतबा रन पूरा हुआ है, अंपायर क्या इशारा करते हैं देखना है भाई। तो कुल मिलाकर 6 ओवर में 52 रन में 53 की चुनौती रखी है। आइए आखिर फाइनल के टॉस किए, टॉस बॉक्स में हम जा रहे हैं, खेलने वाली टीमें शुमन सुसे टीम है एसके स्पोर्ट्स और जयदुर्गा स्पोर्ट। महबूब गौरी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है, वेलकम महबूब। आइए हम टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ हाजी हाजी जुबैर साहब, सैयद भाई और महबूब गौरी, तीनों से इल्तमास है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। ऑल द बेस्ट फैजान एंड ऑल द बेस्ट प्रेम, महबूब गौरी, हाजी जुबैर साहब और सैयद साहब हमसे जुड़ रहे हैं। वेलकम महबूब गौरी, वेलकम जुबैर भाई एंड सैयद साहब। फैजान का हेट कहना है और आया टेल है, टॉस को जीता है जयदुर्गा स्पोर्ट्स ने। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे इल्तमास है कि वीआईपी की जीनत को दोबाला करें। प्रेम इस सीजन में एक सेमीफाइनल आप खेले, क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, कैसा फीलिंग आ रहा है? अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, टॉस जीत के हम पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जो हमने कल बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी करते हुए हम लोग ना फूटी तक रुक गए थे, इसलिए आज फील्डिंग करेंगे और चेसिंग पे डिफेंड रखेंगे। प्रेम ये बताइए जो कल टीम खेली थी उसमें कोई रद्दो बदल है? हाँ एक रद्दो बदल सुजीत नाइक है आज। और सुजीत नाइक के आने से क्योंकि विकेट कीपर भी है और विकेट कीपर बैट्समैन भी है, आपकी ताकत बढ़ गई। प्रेम ये बताइए कि मुकाबला बहुत अहम है, इसलिए एज अ कैप्टन के आप सेटिस्फाई आपकी टीम जिस तरह खेली है अंजुमन ट्रॉफी में? उतना तो नहीं हूँ, अभी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। सब टीम को आउट करना है लेकिन टारगेट पे कौन से बैट्समैन रहेंगे? शुमैल भाई है, फैजान है, सब अच्छे खेल रहे, सब पे टारगेट रखेंगे। उम्मीद करें कि दूसरे सेमीफाइनल की तरफ आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। दोनों टीमें फैजान एक मरतबा सेमी खेली और क्वार्टर में टकराई, एक टीम तो दो मरतबा सेमी में पहुंचने वाली है, क्या लगता है सेमी में पहुंचने के लिए क्या गेम प्लान है? कुछ नहीं, हम अपना गेम खेलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतने की। तैयारी तो कुछ होंगी? कुछ नहीं, सेम वही प्लेयर है और अपना गेम खेलेंगे। लेकिन जीतने के लिए कितने रन बनाएंगे? 60 या 65 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कौन से बैट्समैन है जो मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देंगे? सुमाइल है, एमस है, अच्छे प्लेयर है हम लोग के। तो क्या आज अहमद बलेरे ऊपर बल्लेबाजी करेंगे? जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और कैप्टन किस नंबर पे आएंगे? देखेंगे जो हिसाब से रहेगा वो हिसाब से आएंगे कप्तान बैटिंग पे।
सुफियान शेख को किस तरह यूटिलाइज करेंगे आप? सुफियान शेख को पर भी वो देखेंगे कहाँ तक कोशिश करेंगे वहीं तक भेजेंगे। तो उम्मीद करें कि दूसरी मरतबा आप सेमीफाइनल की तरफ देख रहे हैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जयदुर्गा वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए रणनीति को बदल गया है। विशाल पाटिल को ऊपर भेजा है मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए मजहर खान, और बबलू पाटिल ये वो बैट्समैन है अगर ये टिक के बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत देर तक बल्लेबाजी करते हैं और शॉर्ट सिलेक्शन भी उनके बहुत अच्छे रहते हैं। देखना है कि कप्तान पप्या खारिक ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए बबलू पाटिल को और विशाल को। लेकिन माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि विशाल पाटिल को ऊपर भेजा गया है एक अलग प्लानिंग के साथ हम देख रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी हुई है विशाल पाटिल। कुछ मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने 52 रन बनाया और 53 रनों का टारगेट रखा है महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने। कल्पेश बबलू ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी शाकिब के सामने, उन्होंने बहुत बेहतरीन स्ट्रोक खेले थे। तो पहला ओवर लेकर आते हुए कैफ सामना करेंगे कल्पेश बबलू। पहली गेंद वहां पर कैफ की, देखना शॉर्ट गेंद थी, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे वहां पर आमिर अंसारी। क्या हुआ बहुत खूबसूरत पंच स्ट्रोक, जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए। और बबलू पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है अगर ये टिक गए तो गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं, और ये अगर टिक गए तो फिर रनों का अंबार लगा देते हैं। बहुत ही क्लास है इनमें। मैन फ्रॉम कुक्से बोरोली जी। बिल्कुल भाभे सर, और कल हमने देखा था मराठा पंजाब के सामने जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी रही थी, इस बार हल्के हाथों से कट करने की कोशिश वहां पर आउट हो गए इस वक्त दूसरी गेंद पर कल्पेश बबलू। कमेंटेटर्स कर्स काम करते हुए छेड़खानी की थी वहां पर, और आखिरकार काशिफ ने भी बता दिया, आप कैफ ने बता दिया कि आप शेर हैं तो मैं सवा शेर हूं। ये देखिए किस तरह से गेंद बल्ले का किनारा, हो व्हाट अ बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस भी था गेंद में और बचा नहीं पाए थे अपने आप को बबलू पाटिल। क्रिट डिलीवरी जी। बिल्कुल बाबे सर, लाजवाब गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली कैफ द्वारा। नए बैट्समैन शिवेश बल्लेबाजी को आए, शिवेश इज द न्यू बैट्समैन इन। तो यहां पर बबलू पाटिल की पारी समाप्त होती हुई अब उनकी जगह लेने के लिए शिवेश। शिवेश ने भी कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी हमने देखा मराठा पंजाब के सामने। देखिए इतनी खूबसूरत गेंद थी कि अपने बल्ले को नहीं अलग कर पाए थे। इस तरह की घटना 1978 में हुई थी जब कपिल ने उन्हें 43 रन देकर पाकिस्तान के 8 विकेट लिए थे, और जहीर अब्बास जो बहुत बड़े बैट्समैन थे गेंद को खेलना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद गेंद सिरा लेकर गई थी विकेट कीपर किरमानी के पास। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, देखना गेंद ऊपर चले गई और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता वहां पर
शॉट फाइनल लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी रफीक वहां पर मौजूद थे। महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये कैच लिया जाता तो महिंद्रा पे दबाव बढ़ जाता और शिवेश बच गए वहां पर। कैच कोई मुश्किल नहीं था, जज मुश्किल किया था वहां पर, लेकिन इस तरह के कैचे छूटना मैच छूटने के बराबर रहता है। जी बिल्कुल भाई भावे सर, गेंद की लाइन से आप कैच पकड़ना चाहते थे वहां पर। दो रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई इस दो रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पर। अच्छा कॉलिंग था वहां पर, आज का आखिरी क्वार्टर फाइनल टॉस को जीता है। जयदुर्गा ने पहले फील्डिंग करने का फैसला, उसके बाद पहला सेमीफाइनल धनेश बनाम सोना देवी, इस सीजन में 3 मरतबा टकराई, तीनों में जीत धनेश की। इस बार आगे निकल कर चिप करना चाहते थे इस गेंद को, मुन्ना वहां पर मौजूद है, एक और आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, कैप्टन मुन्ना वहां पर मौजूद थे। क्या करेंगे कैफ, कैच पे कैच छूट रहे हैं और मैच निकल रहा है, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या होंगी कि दो कैचेस छूटे और ऐसा लगता है कि शहबाज शेख को देखिए कमर पे हाथ दिया है, गेंदबाज ने सर पे हाथ रखा है जिस तरह कैचेस छूटे हैं। जी बिल्कुल भावे सर, इससे अच्छे गेंदबाजी गेंदबाज गेंद गेंद स्टीवा की तरह अकड़ी नहीं थी और उड़ाने गए जिस तरह 1999 के कप में हर्षल गिब्स उड़ाने गए थे। इस बार सफलता खेलने की कोशिश की वहां पर वाइड या ऑर्कर किया था कैफ ने, लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस बार। ये मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा, न्यूमन गेंदबाजी में हमेशा ऊपर रही है, क्या हो रहा था, दो कैचे छूटे वहां पर और दोनों बैट्समैन बच गए। जी बिल्कुल भावे सर, लाजवाब और घटा यहां पर कैफ का, जहां पर पहली गेंद पर उनको बाउंड्री लगी लेकिन उसके बाद उन्होंने जो गेंदबाजी की लाजवाब गेंदबाजी की है। 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने 1 विकेट गंवाने के बाद महेंद्र स्पोर्ट्स। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे कल्पेश, जो आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटे। अभी भी देखना है वहां पर शिवेश और विशाल मौजूद है, अब ये देखना होगा कि दूसरा ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज आएगा। सलीम को लगाया गया वहां पर, सलीम ने भी कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए। ओवर के लिए इस वक्त सलीम को बुलाया गया है, कल अमान स्पोर्ट्स के सामने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी सलीम ने, सॉरी गेंदबाजी की थी, उसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है अब यहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स को। देखिए मजहर खान बॉलिंग जो हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी पहले ओवर में, लेकिन फील्डिंग मानो ऐसा लग रहा है कि सुबह के नाश्ते की चिकनाई अंजुमन के खिलाड़ियों के हाथों में रह गई है, जिस तरह उनके हाथों से गेंदें छिटक रही। जी बिल्कुल भावे सर, इस बार पहली गेंद वहां पर सलीम की, व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई, इस 1 रन की मदद से स्कोर 10 रनों पर। हम पर गणेश काफी अनुभवी है लेकिन बहुत देर तक थोड़ा आप व्हाइट खोले क्योंकि छोटे हाथ आपके हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर सलीम की, सफल होकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, पहले ही पढ़ लिया था गेंदबाज ने। 1 रन आएगा इस बार भी, इस 1 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पर। इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां पर विशाल ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त सलीम द्वारा, जबकि पहले ओवर में भी कैफ ने अच्छी गेंदबाजी की थी। वाकई में
अंजुमन ट्रॉफी के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर पांडुरंग धर्मा पाटिल, सादिक भाई और दिलीप पाटिल, आपका विशेष आभार। इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज शिवेश। एक और गेंद डॉट होती भी। सादिक, मिल्क सेंटर का प्योर दूध आपके फैमिली को रखे मजबूत। सेकेंड प्राइज स्पॉन्सर इमरान खान साहब, आपका शुक्रिया एसके बिल्डर। इस बार देखना है, बड़े हिट की तरफ जा रहे थे वहां पर शिवेश, ऊपर चली गई गेंद, सेफ लैंडिंग होती हुई सिराज जब तक गेंद को फील्ड करते, उसी बीच एक रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, इसको आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 13 रनों पर। मजहर खान, इस तरह की कंडीशन में इस तरह के विकेट पे इतना आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करना आड़े बल्ले से, और देखना है कि इसके बाद अगर विकेट गिरता है तो कौन से बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या कर रहे हैं इस वक्त अंजुमन के ये खिलाड़ी भाभी सर, तीसरा कैच छूटा है, इस कैच को किसने छोड़ा है? साकिब वहां पर, साकिब थे वहां पर, यानी मानो शर्त लगी है कि अगर पहला कैच छूटा है, दूसरे ने दूसरा छोड़ा, तीसरे ने तीसरा। अरबाज शेख सादा भाई भी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। इस बार जगह बनाई इस गेंद को खेलने के लिए वहां पर विशाल ने। देखिए विशाल पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका ताल्लुक सारंग गांव से, ग्रामीण का वो मुकाबला जो कपिल पाटिल ट्रॉफी में खेला गया था जेडपी ट्रॉफी में, सारंग गांव के विकेट कीपर को छोड़ के सभी ने कैचेस छोड़े थे। रन अभी भी आजादी से नहीं बन रहे, 2 ओवर में कितने बने? 18, 3 कैचेस छूटे हैं, 2 जीवनदान विशाल पाटिल को और 1 जीवनदान शिवेश को मिला है। देखना है पानी ली जाया जा रहा है, अब ठंडी में पानी पिलाया जा रहा है या टिप्स दिए जा रहे हैं ये अलग बात है। मैं मयूर विलास पाटिल आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, हाजी नोमान खान साहब एक्स कॉरपोरेटर अपना नगर सेवक, हाशिम खान आपका शुक्रिया, राहुल गुप्ता, शिव शंकर जूस सेंटर आपकी प्यास को बुझाए और आप में विटामिन बढ़ाए, राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद, अकरम वकील अंसारी आपका शुक्रिया, अल्ताफ बाली सर BC4 चेयरमैन आपका शुक्रिया, योगेश भोईर मराठा पंजाब होटल के ओनर आपका विशेष धन्यवाद, दिनेश चौधरी उद्योगपति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उजैर खान मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के लिए शुक्रिया, अदनान शेख मैन ऑफ द सीरीज दोनों फॉर्मेट में आपका शुक्रिया, राहिल अंसारी बेल्ट मैन ऑफ द मैच शुक्रिया, गुलाम साबिर अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गिफ्ट टेम्पर आपका शुक्रिया कैफ। इस बार देखना है कैफ की पहली गेंद वहां पर ऊपर चली गई ये गेंद भी, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ, इस बार खुद गेंदबाज वहां पर मौजूद थे। कितने कैचेस ड्रॉप हुए भाभी सर अब तक? लगभग 4 कैच, 5 कैचेस ड्रॉप हुए और 5 खिलाड़ियों ने 5 कैचेस गिराए हैं, अलग अलग खिलाड़ी। अकील देखिए कितने परेशान है, 4 एक कैच उनके पास आए, 4 कैचेस छूटे अब तक, 3 विशाल के, लोग लक को हाथों में तलाशते हैं तो माथे पे लगा के आए हैं आज लक विशाल पाटिल। इस बार बोल्ड हो गए वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए, अब गेंदबाज भी यही कर रहे हैं कि अगर आउटफील्ड के खिलाड़ी कैचेस छोड़ रहे तो वो सीधा स्टंप पर गेंद को रखेंगे, बोल्ड होते हुए यहां पर विशाल पाटिल। बहुत हो गया, नई कैच पकड़े जा रहे हैं तो उन्होंने बोल्ड कर दिया।
आखिरकार विशाल पाटिल तीन जीवनदान के बाद आउट होकर आ रहे हैं और ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट जीता है यहाँ पर जयदुर्गा ने, क्योंकि गेंदे अभी भी काटा बदल रही है, शरारत कर रही है, शॉट टाइम नहीं हो रहे हैं और बड़े स्ट्रोक लगाने वालों के लिए पिच अच्छी नहीं है अभी तक, इसीलिए गैसुद्दीन शेख को भेजा है जो दोनों तरह की क्रिकेट खेलने में माहिर है और इस सीजन में गजब के फॉर्म में, पांच स्पर्धाओं में वो सेकेंड पोजिशन पे रहे थे मैन ऑफ द सीरीज के, कारण यह रहा था कि महिंद्रा ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर, युवा गेंदबाज साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए अयुब भाई जिल्लू भाई की मिठाई जिसने खाई उसने खुशी मनाई, बहुत बहुत शुक्रिया जिल्लू भाई आपका, हाफिज इमरान खान, हाफिज फरहान खान, हाफिज सुबान खान और मौलाना लुकमान खान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अबू शायमा रजा खान अल मोइन हॉस्पिटल ठीक हमारे सामने, 24 घंटे इमरजेंसी फैसिलिटीज, आपका शुक्रिया। कामरान खान, अकरम खान, आपका शुक्रिया। अरशद चुन्नू, आपका शुक्रिया। मुश्ताक भाई, पाकिजा ग्रुप, आपका ग्रुप आगे बढ़े यही हमारी ख्वाहिशात, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर, कैफ की हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था गैसुद्दीन शेख ने, एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से 21 रनों पर। पर्थ की पिच बन गई है, अधिक उछाल था और गैसुद्दीन शेख को कंट्रोल करना पड़ा था अपने स्ट्रोक को, अनइवन बाउंस। शिवेश इस बार सामना करेंगे कैफ का, इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ शिवेश के बल्ले से, गेंद जाएगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया था शिवेश ने, पहले ही मन बना लिया था, ऑफ स्टंप के बाहर करे रहे, ये देखिए घुटना टेक और चौका देख, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया दो खिलाड़ियों के बीच में। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त शिवेश की, इस चौके की मदद से स्कोर 25 रन पर, दो विकेट गंवाने के बाद महेंद्र स्पोर्ट्स। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक देखने वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ, देखना है क्या इशारा आता है वहां से मैच का, ये देखना होगा ऑन फील्ड अंपायर का, देखना है क्या इशारा आता है, जो भी इशारा रहेगा ऑन फील्ड अंपायर का वो आखिर रहेगा। पांचवा कैच छूटा है, ये देखिए शिवेश ने खींच के मारा था, ऑन दी आप खेला था, काफी देर तक गेंद आसमान में रही और यहां से कहना तो बहुत मुश्किल है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर, ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाते हुए वर्ड इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखे तो 27 रन बने यहां पर महेंद्र स्पोर्ट्स के, दो विकेट गंवाने के बाद 5 कैचेस छूटे बाबे सर, ओवर समाप्त हो चुका है। ये दिखाया जा रहा है किस तरह से, ऐसा लग रहा है कि यहां से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कल भी ऐसा हुआ था कि गेंद पत्थर से टकरा के अंदर आई थी जब प्रेम ने मेरे ख्याल से उस शॉट को, चेतन पवार ने खेला था।
तो तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 27 रन बने। अब बचे हुए तीन ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे सिद्दीक बाबू सर। नींद भी नीलाम हो जाती है बाजार इश्क में, इतना आसान नहीं होता है किसी को भूल के सो जाने में। आइए बाबू सर। लेकिन आपकी आवाज बता रही कि आप भरपूर सोकर आए हैं। 27 रन दो विकेटों के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल भाभी सर, नींद अच्छी आई क्योंकि उस बाजार में हम आज तक गए ही नहीं। अठारह गेंदों में 26 रन चाहिए। नेक टू नेट फाइट चलती हुई, गेंदें रुक कर आ रही है और रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, इसके बाद दिनेश कुकसे को तैयार रहना है और सोना देवी टेमगर को। धूप खिली हुई है और तापमान अभी भी 21 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बहुत ही सर्द और खनक मौसम। गेंदबाजी के लिए आसिफ नाना हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए। पहली गेंद कट किया, गेंद स्क्वायरी थर्ड मैन पे पहुंची है, शहबाज है वहां पर, लेकिन दो रन बना लिए गैसुद्दीन शेख ने। गैसुद्दीन शेख स्थितियों को पढ़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा खिलाड़ी वो रहता है जो स्थितियों में ढलता नहीं बल्कि सिचुएशन को अपने लिए बनाता है। आसिफ नाना राइट आर्म ओवर द विकेट, गैसुद्दीन को ऑफ स्टंप से बाहर। व्हाइट का इशारा अंपायर का, गणेश का। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30। तीस रन दो विकेटों के नुकसान पर। स्विच हिट करना चाहते थे, अंदर काटा था गेंद को, मिस टाइम स्ट्रोक। रन बनाना बहुत ही कठिन हो रहा है क्योंकि पिच काफी मदद कर रही है गेंदबाजों को। गेंदे कहीं ना कहीं हवा में भी रुक कर आ रही है। आसिफ नाना गैसुद्दीन को छुड़ा लिया है तुमने जो रन को, छुड़ा लिया रन वहां पर। क्या यॉर्कर गेंद थी और मजबूर कर दिया था गैसुद्दीन को डग आउट करने के लिए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी आसिफ नाना की। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर। ये मैच लगता है कि आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक भी जा सकता है और महेंद्र और अंजुमन के मैचेस वैसे भी बहुत रोमांचक रहते हैं। लाइन से हटके खेलने की कोशिश और ये देखिए कम से कम ये 26वें बैट्समैन होंगे जो इस तरह अपील या बीट होने पे आगे बढ़ते हैं और आउट हो जाते हैं। आउट हो गए शिवेश। मौसम सर्द है लेकिन मैच गर्म होता हुआ। 31 रन तीन विकेटों के नुकसान पे चौथा ओवर चल रहा है और यहां से साहिबा कितने रन चाहिए? 22 रन चाहिए 14 गेंदों पर। नए बैट्समैन सचिन गायकॉट। ये वो बैट्समैन है जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी क्लाइमेट में सिक्सर लगा सकते हैं। इस मरतबा मोड़ दिया है गेंद को ऑन साइड में, एक रन बनता हुआ। दो रन बने
आसिफ नाना, सचिन गायकॉट को करारा स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है डीप में, जन्नाटेदार शॉट, गैसुद्दीन का अच्छा कॉल, दो रन पूरे। रॉन्ग एंड थ्रो किया था वहां पर और अकील कह रहे हैं कि आपको पहले बाउंस पे थ्रो करना चाहिए था। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 35 रन। गैसुद्दीन शेख को भी पता है कि रन आसानी से नहीं बन रहे तो फिर रन छुड़ाने होंगे। दो ओवर में कितने रन चाहिए? 18 रन। मैच फंस गया है। ये ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है और देखना है कि किसको गेंदबाजी दी जाती है। दो ओवर में 18 रन चाहिए, 18 नीडिंग टू विक्ट्री इन रिमेनिंग टू ओवर्स। गेंदबाजी के लिए सलीम को बुलाया गया है और पहले ही मैंने कहा था कि 50 के ऊपर अगर टोटल होगा तो अंजुमन अपने घरेलू मैदान पे खेल रही है और इन्होंने हमेशा जो मैचेस जीते हैं वो गेंदबाजी से जीते हैं। गेंदबाजी के लिए सलीम तैयार होते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं गैसुद्दीन शेख को, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइट। इस स्थिति में वाइट गेंदे करना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चलाने के बराबर है। 12 गेंदे 17 रन, मैच अभी भी फंस गया है। सुबह सुबह काफी दर्शक आए हैं। बढ़िया गेंद, स्विंग करना चाहते थे बीट वे इन द एयर। ये देखिए बढ़िया गेंद, आगे रख दिया था बैट्समैन के। सलीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, गैसुद्दीन को गेंद को स्विंग किया है, फील्डर मौजूद है डीप में, गैसुद्दीन शेख आउट। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। किस तरह गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रुकी थी, आंखें हट गई थी गैसुद्दीन की, बढ़िया कैच डीप में और मैच अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में। बालाशिल के पारेवली ने महेंद्र स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। 10 गेंदों में 17 रन अभी भी चाहिए, 16 रन मेरे ख्याल से, 17 रन, 10 गेंदे 17 रन। सलीम सचिन गायकॉट को उछाल दिया गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन।
कहा था कि ये बैट्समैन किसी भी क्लाइमेट में और कोई भी कंडीशन में इस तरह के शॉट खेलते हैं, ना इनके सामने हवा काम करती है ना दवा। ठंडी में भी गर्मी का एहसास, गर्म मुकाबला आप देख रहे हैं और अभी भी मैच काफी जानदार है। 9 गेंदे 11 रन चाहिए। सचिन गायकॉट सरदर्द बन गए हैं अब। कमाल का शॉट, हालांकि अच्छी गेंद पे शॉट खेला है। पहला ही मुकाबला अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला बनता हुआ। 2 सेमी और 1 क्वार्टर अभी बाकी है। सलीम शॉट गेंद हुक कर दिया, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन बनता हुआ। कमाल की फील्डिंग डीप से, कैफ थे मेरे ख्याल से, एक्सलेंट रिटर्न फ्रॉम कैफ। 8-10, ये 2 गेंदे बहुत ही निर्णायक है। खेलने जा रहे हैं पप्पया खारिक। सलीम, पप्पया को अंदर लगी, क्या छूटा वहां पर, गेंद पीछे जा रही है। कोशिश बहुत अच्छी की थी अकील ने, 2 रन बने, धीमा किया था सलीम ने और एक और कैच छूटा हुआ, 6ठा कैच छूटा है अब तक। हालांकि बहुत ही टफ चांस था, हाफ एंड टफ चांस, कोशिश भी अच्छी की थी अकील ने डाइव करके, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। छह कैच छोड़े लेकिन गैसुद्दीन का कैच पकड़ लिया। सात गेंदों में 8 रन। सलीम पप्पया को रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया। 6 गेंदे और 8 रन, क्या मैच हो रहा है, कट टू कट, कश्मकश सब कुछ। मैं लुट गया मौत के दिन का, कहा मैं वही का न रहा, सुन सरा हो दिलरुबा। गुलाब की आंख है जो तेरी देखी, शराब है हो गया, संभाल मुझको ओ मेरे यार। लेकिन संभालिए अपने आप को कमजोर दिल वाले, मैच बहुत ही रोमांचक हो रहा है। आठ रन चाहिए 6 गेंदों पर, कुछ भी हो सकता है। और दोनों तरफ के सपोर्टर्स को हम देख रहे हैं कि अपने दांतों में वो उंगलियां आप दबाए हुए। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है सिराज को। सचिन गायकॉट जब तक रहेंगे आशाएं ऊपर रहेंगी, क्योंकि इनको अगर एक कमजोर गेंद मिल गई तो काम तमाम कर देंगे। काफी ठंडी हवाएं बह रही है लेकिन मैच बहुत ही हॉट।
गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज, 6 गेंदे 8 रन। पहली गेंद सचिन को, बढ़िया गेंद, बीट किया, अपील अधूरे मन से, नट आउट, लेकिन इस गेंद ने पूरी तरह से सचिन के इरादे और बल्ले दोनों को छटाया था, पुल करना चाहते थे, लेंथ गेंद थी। सिराज 5 गेंदे 8 रन। फुल टॉस गेंद ऊपर लगी है, खिलाड़ी आ रहे, मैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया, वहां पर 3 रन हुए। कैफ ने और 7वां कैच छूटा है इस इनिंग में, ये कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ना है, 3 रन भी आए हैं, कैच भी छूटा है। शहबाज और अकील दोनों बहुत परेशान है, देखिए अब नाराजगी जायज है शहबाज की और अकील की, दोनों सीनियर खिलाड़ी है, ये कैच नहीं बल्कि मैच छूटा है। अजीम अब्दुल्ले ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। कितनी गेंदे और कितने रन साहिबा? चार पांच का इक्वेशन है, अभी भी मैच बना हुआ है। 7 कैचेस गिराए अंजुमन स्पोर्ट्स ने। इस मरतबा छोटी बैकलिक का इस्तेमाल, टर्न कर दिया, 1 रन बना, दूसरे के ले जा रहे, बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट कप्तान पप्पया खारिक का, 2 रन छुड़ा लिए, 50 रन पूरे हुए हैं और 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए। अभी भी डगआउट में भी सन्नाटा है। इसी ग्राउंड पे पिछला मैच भी ऐसा ही था, 41 का टारगेट था और अबू जर ने जो चौका मिड विकेट पे गला दिया था, मैच वहां से चला गया। ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है, अभी भी डगआउट में सुस्ती जरूर उड़ाई जा रही है। कमाल का मैच आप देख रहे हैं, पहले ही कहा था मैंने कि दोनों टीमों के बीच में काफी एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट रहता है। सिराज कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद पीछे जा रही है, 4 रन, मैच को जीत लिया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन महिंद्रा स्पोर्ट, एक्स एमएलए रुपेश मात्रे, संजय मात्रे एंड दी कैप्टन पप्पया खारिक, सचिन गैसुद्दीन एंड ऑल टीम लाइक आरेश पाटिल, 8 लाख शहबाज, 8 लाख अकील, मैच हारा 7 कैचेस से आपने, फील्डिंग ने मैच हारा दिया। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा, सचिन गायकॉट।
सचिन गायकवाड आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आइए हम आपको सबसे पहले ट्रॉफी दे रहे हैं शोएब गौरी के हाथों से। उजैर खान स्पॉन्सर, उसके बाद शादाब भाई, सैयद साहब, अयूब भाई और जिल्लू भाई की मिठाई जिसने खाई उसने खुशी मनाई, खुशी मनाइए महिंद्रा स्पोर्ट। जुबैर भाई के हाथों से गिफ्ट टेम्पर अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स। मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन गायकॉट। क्या लगा आपके बल्लेबाजों ने मैच जीता या अंजुमन के फील्डरों ने मैच गला दिया? हाँ, उनकी थोड़ी फील्डिंग मिस हुआ और हमको बैटिंग में पूरा भरोसा था। मैं था उधर ग्राउंड पे, मेरे को भरोसा था मैं जीतूंगा। पपे ने स्ट्राइक में नहीं दिया तो भी वो अच्छा खेला उनका कांग्रेस। ये सही है कि पिच आज सुबह में क्लाइमेट भी ठंडा और गेंदे कहीं ना कहीं रुक कर आ रही है? हाँ सर, बहुत दिक्कत हो रही है सुबह के खेलने के लिए और ग्राउंड भी थोड़ा धीमा है, उधर स्किड नहीं ज्यादा बोल रहा है, फास्ट नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है बोल। देखिए एक के रन से आप लेकिन सेमीफाइनल में टीम पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हम सेमीफाइनल खेला और हमारे प्लेयर भी बहुत खुश है। उम्मीद करें कि सेमीफाइनल में भी आपकी टीम इसी तरह परफॉर्म करेगी। हाँ सर, ऑल द बेस्ट। ये थे सचिन गायकॉट मैन ऑफ द मैच।